नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके इलेक्ट्रिकल चैनल में। दोस्तों आज हम समझाने जा रहे हैं मंकी क्रेन के मोटर में, मंकी लिफ्ट जो होती है उसके मोटर में जो ब्रेक लगते हैं उसकी जो कॉइल के कनेक्शन होते हैं वो मोस्टली सभी लड़कों को नहीं पता रहता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो हम लड़कों को समझाएँ, जिनको नहीं आता है उनको हम बताएँ, जिनको आता है वो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अभी हम शुरू करते हैं। देखो इसमें ब्रेक में नो कॉइल होती है, पहले हम कॉइल आपको दिखा देते हैं। तो इस टाइप की ये कॉइल है, ये ब्रेक की कॉइल होती है। ये 220 वोल्ट की भी होती है और 440 की भी होती है। तो मोस्टली थ्री फेस में जब सीरीज बन जाती है तो कॉइल में, एक कॉइल में 220 ही जाएगी क्योंकि वो सीरीज में हो जाती है। तो 220 वोल्ट की कॉइल लगाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आपस में सीरीज हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे ये इसका एक ये ब्लैक हो गया, एक ये रेड हो गया, दोनों रेड भी हो सकते हैं, कलर से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे ये तीन कॉइल हमारी यहाँ पे लगी है, तीन यहाँ पे लगी है, तीन यहाँ पे लगी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें अगर कलर है तो अच्छी बात, नहीं तो अपनी तरफ से जो एक लाइन की तीन है उन एक लाइन की तीन को हम आपस में लूप कर देंगे, इस पर टेप मार देंगे। इसे कहीं किसी कतार में और जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपस में लूप कर देंगे। और इसी तरह से ये दूसरे वाली भी आपस में लूप कर देंगे। इसका तरीका ऐसे भी हो जाता है, दो तीनों को इकट्ठी करके यहाँ पे टेप भी मार दी जाती है। तो अभी तो हम समझाने में ऐसे ही समझा रहे हैं, तो तीनों को इकट्ठी करके टेप मार दी जाती है यहाँ पे। तो इसी तरह से तीनों को हम इसको लूप कर देंगे यहाँ पे, तो ये लूप हो गई आपस में। इनका इतना ही काम है, इतना कनेक्शन इनका होता है, ये कहीं पर नहीं जुड़ता है। अब बारी आती है हमें इनमें फेस देने की। तो एक हम इस लाइन से लेंगे, एक हमने इस लाइन से ले लिया और एक हमने इस लाइन से ले लिया। तो पास वाले को ही हम इसमें निकाल लो, तो इसी में जॉइंट कर दो या फिर इसके साथ ले लो। तो एक यहाँ से हम इसका इसके साथ तीसरी लाइन का ले लेते हैं, एक इसी में जोड़ देते हैं। तो एक इसमें से हो गया, एक इसमें से हो गया। अगर ये नहीं समझ में आता है तो फिर हम इसको भी ले सकते, कोई सी भी कॉइल ले लो, इनकी सीरीज बनानी है आपस में तो इसी को ले लो। ये इसके सीध में जा रहा है, यहाँ से एक तार हम इसको एक फेज में आर में जोड़ देते हैं, आर वाई भी कोई किसी में भी जोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम दूसरी लेते हैं, तो दूसरी का हमने ये एक तार ले लिया है, यहीं से निकाल लेते हैं हम इसको। ये हो गया एक, ये ले लिया इसमें से, इसी में जोड़ दिया, और एक ये ले लो इसमें से, ये इसी के साथ ले लो। तो इसको हम यहाँ वाई में जोड़ देते हैं। तो एक एक बार में एक एक फेज में जो कनेक्शन करेंगे हम, एक लाइन से एक कॉइल का ही तार लेंगे, दूसरी लाइन से एक का लेंगे, तीसरी लाइन से एक का लेंगे। तो इस तरह एक इसमें चला गया। फिर दूसरे फेज में भी ऐसे करेंगे, एक इसका हो गया, एक दूसरी का हो गया, एक तीसरी लाइन का हो गया। फिर ऐसे ही हम इससे करेंगे, एक इस लाइन का हो गया, एक इस लाइन का हो गया, और एक बचा हुआ ये इस लाइन का हो गया। तो ये तीनों मिलके एक तार मिलके ये तीसरे फेस में हम पहुंचा देंगे। इस तरह से इनकी सीरीज बन गई है ये। तो एक जो है ना, इस लाइन में भी तीनों फेज आ जाएंगे और इस लाइन में भी तीनों फेज आ जाएंगे, इस लाइन में भी तीनों फेज आ जाएंगे, ऐसे इनकी सीरीज बन जाती है। क्योंकि आर वाई भी इसमें भी लग गया, आर वाई भी इसमें भी लगा है, आर वाई भी इसमें भी लगा है। तो इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं और ये ऑपरेट हो जाती है। इसे हम प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा देते हैं। तो अभी हमारे पास में ये मंकी क्रेन का ब्रेक है, हमने ब्रेक खोल लिया है और इसमें इसके हमें कनेक्शन करने हैं। तो अभी हमने ये देखो ब्लैक ब्लैक वायर को हम एक तरफ की तीन कॉइलों के ब्लैक तार को हम एक में ही जोड़ के टेप मार देते हैं। और ऐसे ही हम तीनों लाइन की जो तीन तीन कॉइल हैं उनकी जो ब्लैक वाली वायर है हम सबको इकट्ठी करके उस पर टेप मार देंगे। याद रहे ये एक ही लाइन के तीनों तीन तार होने चाहिए, एक ही लाइन में जो तीन कॉइल लगी रहती है उसके तीन तार आपस में एक एक तार लेके उनको आपस में जोड़ के टेप मार देते हैं, क्योंकि इसी से हमारी जो है ना थ्री फेज की सीरीज बनेगी और उसी से उनमें बराबर करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमें इसमें थ्री फेज सप्लाई देनी होती है। तो इनमें सब में जो है ना एक एक फेज चला जाता है, समझो जब एक एक फेज तीनों में चला जाता है तो इनकी सीरीज हो जाती है।
तो उसी से इनमें करंट बराबर बन जाता है। तो अभी ये वाले हो जुड़ गए, ये जुड़ गए, ऐसे ही हम तीसरी लाइन का भी जोड़ देते हैं। इसमें कलर ब्लैक की जगह कोई दूसरा भी हो सकता है, तो कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक तार एक लाइन की तीनों कॉइलों के लेकर हमको जोड़ देने हैं, और बाकी जो तार बच जाएंगे उसमें से हमें फिर ये देखना है कि किसी भी तरह एक अलग अलग फेस हमारी कॉइलों में जाना चाहिए, सेम फेस दो कॉइलों में ना जाए एक साथ लगी हुई में, अलग अलग फेस जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें सीरीज बनानी होती है इनकी। तो अब हमने एक लाइन का एक तार ले लिया, दूसरी लाइन का एक तार ले लिया और तीसरी लाइन का एक तार ले लिया, ये फेस देने के लिए हो गया। तो ये हमारा एक फेज़ का प्रोग्राम सेट हो गया। तो इसी तरह ये तीन तार हम एक फेज़ में दे देंगे, जहाँ से हमें सुविधा हो उस हिसाब से, जैसे तार ज़्यादा उलझे ना वहाँ से निकाल के इसको हम लगा देंगे। और एक फेज़ का प्रोग्राम ये हो गया, और अब हम इसके बराबर में टेप मार दें जिससे ये तार इकट्ठे रहे, इसका मुंह हमें बंद नहीं करना है। तो अभी दूसरे फेज़ का प्रोग्राम हम ऐसे ही देख लेते हैं, एक तार इस लाइन से, दूसरा तार दूसरी लाइन से और तीसरा तार तीसरी लाइन से। इस तरह से ये दूसरे फेज़ का प्रोग्राम हमारा तैयार हो गया है, ये दूसरे फेज़ के लिए हो गया। तो इसमें हम दूसरा फेज़ दे देंगे। तारों को अपनी सुविधा से अच्छी तरह ड्रेसिंग करें, अभी तो हम ड्रेसिंग नहीं करके दिखा सकते, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, अभी हम चालू करके दिखाएंगे बस। तो इस तरह से ये दूसरे फेज़ के लिए तैयार हो, बाकी बचे तीन तीसरा फेज़ के लिए हो गए। तो इस तरह से हर लाइन से एक एक तार हो गया एक एक फेज़ में, तो हर लाइन में तीनों फेज़ अलग अलग चले जाएंगे। तो इसमें तीनों लाइनों में सीरीज बन जाएगी तीनों फेज़ की। तो इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं, ये इस तरह से इसमें बराबर करंट फ्लो होगा। अगर इसमें हम 440 की कॉइल डालते हैं, अभी हमने इसमें 220 वोल्ट की डाली है, तो वो कम करंट देगी, या फिर हमें उसमें सीरीज में नहीं देना पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट 440 देनी पड़ेगी हर कॉइल में, तो वो कनेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। 220 वोल्ट की कॉइल लगा के हम इसको सीरीज बना देते हैं, ये बेटर रहता है, करंट भी अच्छा देती है। तो इस तरह से हमने ये तीन फेज इसमें दे दिए हैं। अब हम इनको ऑपरेट करके दिखाएंगे। तो अब हम रिमोट उठा लेते हैं इसका, ये हमने इसका रिमोट ले लिया है, और अब हमने पेचकस इसकी मैग्नेट चेक करने के लिए, देखो ये देखो इस पे भी चिपक रही है, बटन दबाने से जैसे कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है वैसे ही वो इस पे चिपक जाती है। तो ये हमारा प्रोग्राम इसका सेट हो गया। थैंक यू दोस्तों।